हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अभी जो ये ट्रेंड चला हुआ है, जो शॉर्ट वीडियो वगैरह जो दुकानदार डाल रहे हैं अपने अपने डिजाइन के, जो साड़ी है, कुर्ता है, सूट है, जो कुछ भी है, वो डिजाइन वगैरह जो डाल रहे हैं टिकटॉक पे हो या अन्य कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर डाल रहे हैं, तो इससे क्या असर पड़ रहा है मार्केट पे, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि इंडिया में तो टिकटॉक बैंड है, लेकिन वहाँ भी टिकी वीडियो, टकाटक और भी बहुत सारे जो शॉर्ट्स वीडियो के जो प्लेटफॉर्म होंगे वहाँ पर वीडियो वगैरह डाला जा रहा है। कई तरह के जो साड़ी वगैरह है जो नया लॉन्च हो रहा है, वो अपने दुकान पे आते ही वो साड़ी का जो है वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं कि हाँ ये नया साड़ी आया हुआ है, इतने का है रेट वगैरह, भी सब कुछ वहाँ पे जैसे कि डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। तो इससे मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो है ये साड़ी जो है मंगवाया हुआ हूँ, ये वाला रेड वाला जो साड़ी देखो, थोड़ा सा नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये साड़ी देखिए, ये वाला जो साड़ी है इसमें कलर ऑप्शन और भी कई सारे कलर्स है। तो ये साड़ी एक हो गया, और आपके स्क्रीन के ऊपर अब जो साड़ी दिख रहा है इस साड़ी में क्या चीज़ का डिफरेंस है भाई, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एक कस्टमर आता है और दिखाता है अपने मोबाइल निकाल करके कि भैया ऐसा टाइप का आपके पास साड़ी वगैरह है, तो हाँ मेरे पास साड़ी वैसा अवेलेबल है, तो इस साड़ी को दिखा दिया हूँ। और उस वो भी अब ये जो फोटो में देख रहे हैं, तो ये तो लगाने के बाद में जो सेट वगैरह करके अच्छे तरीके से मोजा वगैरह डाल करके लगाई हुई है, तो उसके शरीर पर थोड़ा सा आकर्षक दिख रहा है। पहनने के बाद जो है इस साड़ी का आकर्षण दिखता है, लेकिन अभी जो ये साड़ी हम उनको दिखाए हैं, तो इस साड़ी को बोला नहीं ये साड़ी है ही नहीं। तो आप ही लोग बताइए इसमें डिफरेंस क्या है इस साड़ी में। और कई तरह के ऐसे कस्टमर है कि मोबाइल के डिजाइन के चक्कर में पागल हो गए भाई, हर एक जगह पे ढूंढ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप लोग भी दुकानदार है तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। जो कस्टमर है मोबाइल निकाल करके दिखाते होंगे, अगर आपके पास सेम माल अगर टकरा भी गया तो आपके प्रोडक्ट को वो इग्नोर कर दे रहे हैं कि नहीं ये जो मोबाइल में दिखाया है ये कुछ और है, और आप जो दिखा रहे हो कुछ और है। तब मैंने भी ऐसा दिखाया हूँ, ऐसा नहीं केवल यही साड़ी, और भी साड़ी वगैरह जो है हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं स्टॉक में। तो ये फंडा हो रहा है अभी सभी दुकानदारों के साथ में। तो अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हर एक हफ्ता में नए डिजाइन जो है वो लॉन्च हो रहा है कोई शॉर्ट वीडियो क्रिएटर के द्वारा, उस साड़ी वगैरह का जो भी साड़ी हो, सूट हो, या जो चीज भी हो, पहन करके टिकटॉक पे कोई भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का जो ऐप है उस ऐप पे अपना जो जलवा है वो बिखेर दे रही है। और लोग जो है उसके द्वारा लगाए गए ड्रेस को खोजने के लिए पूरा मार्केट घूम जा रहे हैं भाई, पूरा मार्केट घूम घूम करके सेम ड्रेस खोज रहे हैं। उसको हल्का भी 19-20 वाला जो फर्क है वो नहीं चाहिए, उसको सेम प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट आप अवेलेबल करवाने के लिए अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट मिलता है, आप ले करके आएंगे, आप अपने दुकान पर रखेंगे, तो हो सकता है अगले हफ्ते जब आप अपने दुकान पर वो माल परचेज करके लाए, तो हो सकता है अगले हफ्ते वो कोई दूसरा डिजाइन जो है पहन करके नाच दे, ठुमका लगा दे, तो इसके बाद आपको फिर वही डिजाइन चाहिए। अब जो खरीद कर लाए हैं उसमें अब 10 पीस लाए होंगे खरीद करके, तो वहां पे आपको 5-7 पीस तो स्टॉक बचेगा ही बचेगा, 2-4 ही सेल आउट होंगे, तो वो पांच और छह जो पीस है आपके पास बचा हुआ है उसमें आपका लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप एक व्यापारी है तो इस चीज को जरूर से सोचे होंगे कि हाँ मेरा लॉस जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-4-5 पीस बेच करके आप अपना जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उस 10 पीस में ये नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखा गया है कि कोई दुकानदार जो है उसमें आपको ओपन रेट करके जो है वहां पर अपलोड कर रहा है कि हाँ ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के चक्कर में वो दुकानदार अपना प्रोडक्ट का जो सैंपलिंग है वो तो दिखा ही रहा है, प्लस में एकदम कम से कम मार्जिन में वो काम करना चाह रहा है। तो एकदम कम से कम समझिए 1000 रुपये का कोई साड़ी है तो उस पर वो केवल 1100 या 1200 रुपये में वहाँ पर रेट टैग कर दे रहा है कि हमारा जो जितना सस्ता होगा उतना ज़्यादा माल बिकेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि अब आपका वीडियो तो सेव कर लिया, अब वो बंदा मार्केट में घूमेगा कहीं पर उसको सेम प्रोडक्ट टकरा भी जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को दिखा रहा है, ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आप 1500-1600 रुपये बता रहे हैं, यहाँ पे 1100 रुपये में मिल रहा है। अब मुश्किल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका भी अगर परचेजिंग 1000 रुपये का हुआ है तो आप भी चाहेंगे कि यार 100 रुपया भी आ रहा है इसको हम बेच करके सल्टा दे, यानी कि 100 रुपये का प्रोडक्ट प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं, 10% का प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं, वो भी रिटेल, वो भी लेडीज आइटम, जो कि हर एक हफ्ते में अपडेट करना पड़ रहा है इस चीज़ को।
तो अब देखिए, अब वहाँ पर आपको एक चीज करना पड़ा कि ज्यादा प्रॉफिट लिए रहते तो दो चार पांच पीस में भी आपका जो इन्वेस्ट किए हैं उस साड़ी पे तो निकल जाता, लेकिन आप यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे, मतलब 5 साड़ी बेचेंगे तो 500 रुपया 600 रुपया आपका मैक्स टू मैक्स बनता है। तो 600 रुपया अगर 6 साड़ी बेच के 600 रुपया कमा रहे वो भी खुदरा में, तो समझिए यहाँ पे आपका जो 5 पीस है वो फंसा कि नहीं फंसा। 5 पीस का आप लगाने उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट में वो अगले टिकटॉकर के द्वारा नया डिजाइन पेश कर दिया गया है मार्केट में, अब नया डिजाइन के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो ठीक है, यही फंडा मेरे साथ भी हो रहा है यहाँ पर, मतलब साड़ी वगैरह मैंने काफी सारे मंगाए हुए थे लेकिन कम प्रॉफिट के चक्कर में मैंने सेल आउट किए हैं इस साल, मतलब समझिए 10% से भी कम में मैंने कारोबार किया है इस साल की। हाँ भाई, माल जो है फंसना नहीं चाहिए, कैसे भी करके इस सामान को तो अब निकालना पड़ेगा ही। तो 30 नजदीक में आ गया हुआ है, तो ये जो भी 50-60 पीस मेरे पास साड़ी जो पड़े हुए हैं उसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द बेच करके हमें सलटा देना है। साड़ी वाला काम जो है बहुत ही मतलब हाई रिस्क वाला है। अब इसमें फायदा बड़े व्यापारियों को हो रहा है, बड़े व्यापारी मतलब आप ये समझिए कि कोई मतलब एक ही डिजाइन के एक ही साड़ी, जैसे कि मैंने ये दिखाया है साड़ी, यही साड़ी अगर उसके पास सेम डिजाइन में अगर 1000 पीस अगर वो अफोर्ड कर सकता है, 1000 पीस अगर सेम डिजाइन के अगर साड़ी ले रहा है तो वो 1000 साड़ी में आराम से मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा अगर उसका फास्ट सेलिंग होता है। तो फास्ट सेलिंग करने के लिए वो क्या करता है कि पहले तो माल अपने पास जो है वो मंगवा लेता है, उसके बाद में कोई अच्छा फेस वाला जो है, कोई अच्छा जिसका टिकटॉक वगैरह जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जिसका वीडियो वगैरह काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो वैसे टिकटॉकर को वो अप्रोच कर रहे हैं, मैं इतना पैसा दूंगा 10,000-20,000 या जो भी हो, मतलब पैसे की बात मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो वो करते क्या है कि एक साड़ी का सैंपलिंग आपको मतलब करना है, एक वीडियो शूट करना है आपको, मतलब इसके बदले में मैं कुछ पैसे दूंगा, तो वो क्या करती है कि उसके लिए मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो ये साड़ी पहन करके नाच देगी तो उसके जितने भी फ्लोवर्स है मतलब उस मतलब मिलियंस में उसके फ्लोवर्स होते हैं, अगर उसका 10% भी अगर ये साड़ी का डिमांड कर दिया ना तो वो अगले जो बड़ा होलसेलर है उसने अगर 1000 पीस मंगाए हुए हैं तो भाई वो मतलब एक दिन में वो पूरा सेल कर सकता है, इतनी बड़ी उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ बड़े व्यापारी के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे व्यापारी के लिए जो 10-20 पीस मतलब अपने दुकान पे रखते हैं और डेली का सेल उनका 1-2 साड़ी भी नहीं है, मतलब हफ्ता में 1 या 2 साड़ी बिक जाता है, तो वैसे व्यापारी को तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसमें बचना क्या है कि आप मतलब साड़ी वाला जो चीज़ है, साड़ी वाला जो आइटम है, इसमें मतलब रेट जो भी व्यापारी जो है अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रेट अगर डिस्क्लोज ना करें मेरे विचार से तो ठीक रहेगा। अगर रेट डिस्क्लोज भी कर रहे हैं तो जो खरीदार है केवल उन्हीं को आप रेट मतलब मैसेंजर में मैसेज करवाइए, कॉल करवाइए, तब जाकर रेट डिस्क्लोज कीजिए। मान के चलिए आपको साड़ी खरीदना नहीं है ये वाला साड़ी, लेकिन फिर भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि हाँ ये साड़ी का सैंपल देख लीजिए, ये केवल 1200 रुपये में बिक रहा है, तो जब लेना पड़ेगा आपको साड़ी तब वहाँ पर उसका माइंड सेट में तो ये तो रहेगा कि यार मैंने एक समय में 1200 रुपये का साड़ी देखे हुआ था, तो वो आपका साड़ी चाहे इससे हैवी हो या इससे सस्ता हो उससे मतलब नहीं पड़ेगा, 1000-1200 रुपये के रेंज में साड़ी खोज रहा है तो 1000-1200 का रेंज का ही साड़ी मतलब खरीदेगा। तो ये एक चीज़ जो है सीखी प्रॉब्लम है। और भी कोई मतलब और भी कई सारे जो ऑनलाइन सेलिंग का साइट्स वगैरह है उनके रेट को आप एक बार कंपेयर कीजिए कि वो कितना मार्जिन पे काम कर रहे हैं और आप कितना मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। अगर रेट वगैरह आप लोग देख रहे हैं अच्छे मार्जिन में, अगर आप लोग अपना वीडियो को अपलोड करते समय अच्छे मार्जिन का रेट अगर उस पर रखते हैं तो फिर ये आपके लिए भी सही है और जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं उन सभी के लिए सही है। बस मेरी जो राय है यही राय है कि कोई भी व्यापारी भाई जो है रेट को इतना मतलब डिस्क्लोज ना करे, अगर डिस्क्लोज कर भी रहे हैं, रेट को ओपन कर भी रहे हैं, तो इतना कम मार्जिन का मत किया कीजिए। भले ही आप बेचते वक्त कम मार्जिन ले ले, जैसे कि ऑन टेबल पर आपके साथ आते हैं तो आप जितना भी कम मार्जिन में आप काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक में ओपनली जो रेट कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे विचार से। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो समझ लीजिएगा। बाकी आपके एरिया में कैसे कैसे कस्टमर आ रहे हैं, ऐसे मोबाइल वाले जो कस्टमर है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल भी नहीं तो चैनल पे नीचे लाल वाला जो बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में घंटा का निशान आता है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।